नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं अंकित। स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट ने इंडोनेशिया में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर स्वदेश लौटने के बाद शनिवार रात सोमवीर राठी से सगाई कर ली। विनेश महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग के खिताबी मुकाबले में जापान की युकी एरी को एक तरफा मुकाबले में 6-2 से हराकर एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थी। वहीं इंडोनेशिया से स्वदेश लौटने के बाद विनेश ने शनिवार रात इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोमवीर को अंगूठी पहनाकर सगाई कर ली। रात करीब 10 बजे तिरंगा उड़े विनेश हवाई अड्डे से जब बाहर निकली तो वहां उनके गांव से काफी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे, जिन्होंने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। हवाई अड्डे के बाहर पार्किंग क्षेत्र के पास विनेश और सोमवीर की सगाई की रस्म निभाई गई। रविवार को ही विनेश का जन्मदिन भी था और उन्होंने इस मौके पर हवाई अड्डे पर ही केक काटा। 24 साल के विनेश और सोमवीर ने एक दूसरे को पार्किंग में ही रिंग पहनाई। पूरे समारोह के दौरान विनेश की मां और सोमवीर के परिजन भी वहां मौजूद थे। विनेश ने सगाई की पुष्टि करते हुए कहा, हम जल्द ही विवाह बंधन में बंधेंगे। वहीं विनेश के ताऊ महावीर फोगाट ने इस मौके पर कहा, बच्चे समझदार हो गए हैं और हमने आपसी सहमति से इनकी सगाई करने का फैसला किया है। जी हाँ, तो गोल्डन गर्ल विनेश फोगाट की सगाई हो गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।